मिनट में पूरा लाइट सर्कल से हो गया, मेरे जिंदगी खराब हो गया साहब, मेरे नाम डूब गया साहब, कल निकला दुकान बेच के चले जा रहा साहब, दुकान तो नहीं जा सकते, ये फिर भगवान में क्या पाप करा, भगवान को मेरे लिए ये दुख लगा जाए उम्र पे। कितने का नुकसान है आपका? बाप बहुत हुआ साहब, नहीं बोल सकते, 40-50 हजार का हो गया, कैसे क्या सर, दो दिन पहले पूरा चला गया साहब, मैं कुछ भी मुंह बोल दे तो मेरी जिंदगी खराब हो गया साहब, अब तो रोड पे गिर गया साहब, मैं दुकान का नाम यहाँ पे भाई कालिया मार्केट है, जो यहाँ पे उस्मानिया हॉस्पिटल के बाजू में गिरता है, तो इनका दुकान 50 साल से है, इंडियन इमिटेशन ज्वेलरी इनके दुकान का नाम है, और यहाँ पे जो भी है इनका पूरा वो है दुकान भी होने, और कम से कम 40-50 लाख का माल इनको चल गया है, और शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ, जो जैसे इनके जो स्विच ऑफ करके गए, और मेन एमसीबी होता है, एमसीबी इन्होंने ऑफ करके गए थे, और फिर भी अब तक घर में पहुंचने से पहले इनके पास फोन आया कि साहब आग लगी हुई है, आप यहाँ पे जल्दी से आइए, तो ये वैसे ही जैसे जहाँ 20 वर्ष से इन्होंने वापस आ चुके, तो वापस आने के बाद में यहाँ पे देखा जो फायर को कॉल किया, जो पुलिस प्रोटेक्शन भी फोन आया है, तो सब यहाँ पे मौजूद भी थे, लेकिन सबकी कोशिश पूरी जारी है, लेकिन अभी तक आग बंद नहीं होती, क्योंकि अभी तक 3 घंटे हो चुके हैं, और 3 घंटे में काफी नुकसान हो चुका उनका, और इतना नुकसान होने के बाद आप भी सब समझते हो कि भाई अब मीडिया वाले क्या करना चाहिए इसका, इसको हम तो यही चाहते हैं कि सरकार इनको कुछ हेल्प भी मिले, और इसको ऐसा नहीं कि आप मीडिया वाले सब इसको लाइट लेके लाइट ना छोड़े, क्योंकि काफी नुकसान हो चुका है इनका, तो सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि इनका सहयोग दे और सपोर्ट करें। हादसे में कोई जानी नुकसान हुआ क्या? हाँ सर, जानी नुकसान इनके रास्ते में, मतलब इनके दुकान के अंदर काफी कैश भी था, थोड़ा कैश भी था, तो कैश के कैश का भी लॉस, नहीं वैसा किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ, और फायर वर्क वाले ने भी काम अच्छा ही किया, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन थोड़ा इनको अभी कोऑपरेट करने के लिए सरकार इनको, मैं चाहता हूँ कि इनको हेल्प करे। आग लगने का रीजन कुछ मालूम है, शॉर्ट सर्किट है या फिर कुछ दिया? नहीं अभी तक, नहीं वैसा अभी तक कुछ भी नहीं है सर, जो मेन स्विच होता है, वो जो एमसी होता है, वो कोई भी व्यापारी जाता है तो वही बंद करता है, तो उसके ऊपर भी अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई है, तो अभी आप सरकार से, मैं तो हम चाहते हैं कि सरकार इनकी बात सुने और इनको सहयोग दे, क्योंकि 50 साल पुरानी फर्म है, हर एक चीज का इन्हों सहयोग देते आए। नाम क्या है दुकान के ओनर का? दुकान के ओनर का नाम है साहब विद्या सागर साम, और कालिया सेठ जो बोलते हैं, यही हमारे कालिया मार्केट इनके नाम से ही चलती थी, आज से जो 50 साल पहले जो फेमस मार्केट थी वो इनके नाम से ही थी, और हम ये चाहते हैं कि प्लीज इसको आप पहले, मतलब आप सरकार तक पहुंचा के इनको सहयोग मिलना चाहिए। धन्यवाद। लेचे लाइट लेचे रहा बड़ा लाइट लेचे यहाँ पे लेचे।